हेलो ट्रैवलर्स। तो बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और इसलिए मुझे ये लगाना पड़ रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ थ्री इडियट्स शूटिंग पॉइंट, जहाँ पे थ्री इडियट्स मूवी शूटिंग हुआ था, उसका लास्ट सीन। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। यहाँ से लगभग 1 घंटा तो लग जाएगा मे भी, क्योंकि मैं पैदल जा रहा हूँ, चल चल के जाऊँगा। अभी 11 बज रहा है, तो देखता हूँ कब तक मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे, कितने टाइम लगता है वहाँ पहुँचने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी पैदल पैदल लेक के किनारे। आपने कहाँ जाना है? मैं इधर ही जाऊंगा लेके घूमते घूमते। कितना का है? गाय 16 है। 16 है। दूध हाँ, देता है? कोई कोई देते, कोई नहीं देते। हाँ, अच्छा, चराने के लिए लेके जा रहे। कब वापस आएगा अभी इसको लेके जाने के बाद? शाम को आएगी। शाम को। अच्छा हाँ, अच्छा वाह। इधर लेक के किनारे किनारे से जा सकते हैं ना हाँ, शूटिंग पॉइंट तक, इधर अच्छा होगा। मेरा आप कहाँ पे जाओगे अभी? भी जैसे उधर का। ऊपर हाँ, आप मान। लेके जाइए। अच्छा, तो गाइस तो मैं फाइनली पहुंच गया लेक के किनारे। तो यहाँ से मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ से दिख रहा है पास में है, लेकिन बहुत दूर है यहाँ से कम 1 घंटा तो लग जाएगा मुझे। तो मैं कर रहा हूँ आज धूप में ट्रैकिंग, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। देखिए, मुझे जैकेट भी नहीं लगाया, हवा भी कम में है, तो ठंडा है तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी दिल्ली के उस रोड पर चल रहा हूँ, जिस जहाँ पर तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप लग रहा है, गर्मी लग रहा है। तो ये नहीं लगा था तो मुझे आँख में दिखाई नहीं दे रहा था कुछ। सो क्या बताया, अभी यहाँ पे से ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं है, पानी है बस, यही सब सामान है रिकॉर्डिंग का। अभी तक तो मैं ये गाय के साथ आ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ से मुझे अकेले जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। चलो गाय, बाय बाय। इस साइड पे थोड़ा सा ग्रीन लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ से वो ग्लेशियर का पानी नीचे आता है, तभी इससे थोड़ा ग्रीन है। और गाय इसीलिए चरने आया है इधर। और ये है लेक साइड। अच्छा, आसमान पूरा साफ है, तभी तेज़ धूप लग रहा है। और एक्चुअली यहाँ पे आने का लगता है कि ये नदी है, एक अमेजिंग है। आज लेक पूरा ब्लू व्यू मिलेगा आपको, तो चलते रहेंगे। अभी मुझे चलना है बहुत दूर। हाँ, मेरे सामने देख रहे हैं आप, ये सारे कैंप हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। बहुत सारे कैंप हैं यहाँ पे, और यहाँ से कैंप से आपको ये लेक का व्यू जो है ना, वाह क्या बात है, मस्त दिखेगा। सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये मेरे सामने एक छोटा सा जंगल दिख रहा है। एक्चुअली पानी का पानी बह रहा है यहाँ पे, सो इसलिए यहाँ पे ये उग गया है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल था। ओह, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है। ओ भाई, अभी मैं कैसे जाऊँ? मुझे लगता है इस साइड से जाना पड़ेगा। चलो। ओ भाई, लगता है मुझे मैं फंस गया। अब मुझे उस पार जाना है, कैसे निकलूं? नहीं तो आगे से पता नहीं आगे से निकल सकूंगा कि नहीं सकूंगा मैं। यहाँ पे तो चारों तरफ कीचड़ ही दिख रहा है। चलो कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। ओह, फाइनली मैं पार कर गया।
सामने मेरा ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये तो आर्मी का ही होगा। एक्चुअली मैं सोचा था 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन आधी पहुंचते पहुंचते मेरा 1 घंटा हो गया, तो अभी तक शायद मैं आधा ही पहुंचा हूं, और 1 घंटा लग सकता है। मतलब बहुत दूर है, थक गया वैसे भी। ओह माय गॉड, चलिए स्टार्ट करते जाने। मुझे तो चलते चलते ऐसा लग रहा है कहीं मैं रेगिस्तान में चल रहा हूँ, मतलब इतना दूर। सच में मैं थक गया अभी, अभी तो मुझे चक्कर आने लगा है, और थोड़े दूर है पानी भी मेरा ख़त्म होने वाला है भाई। वो कहते हैं ना, असली मजा तो सफर का होता है ए मेरे दोस्त, मंजिल का नहीं। ओह तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया। पहले तो जाके वो वहाँ पे मैं बैठूंगा, उसके बाद ही बात करूंगा, ठीक है। ये 3 इडियट शूटिंग पॉइंट। मुझे यहाँ पे पहुँचते में से कम 1.5 घंटा लग गया। चलो मैं अभी आगे जाके अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद ही आपको आगे का व्यू दिखाऊंगा। सो ट्रैवलर्स, फाइनली मैं पहुँच गया 3 इडियट शूटिंग पॉइंट। तो एक्चुअली मैं बहुत थक गया था, अभी थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट किया, बहुत सारे लोगों से बात किया। अभी मैं जाऊँगा उस साइड पे जहाँ पे शूटिंग हुआ था, वहाँ पे बहुत सारा मतलब उन लोगों का सामान है, जैसे स्कूटी है, 3 इडियट्स वो बैठे गए, गाना वॉलिस बेल गाना वाला वहाँ पे है, तो वहाँ पे दिखाऊँगा। मैं यहाँ पे बैठा था, यहाँ पे बैठने के लिए थोड़ा सही था, धूप तो बहुत है, लेकिन अब जब छाँव में बैठेंगे तो आपको ठंडे महसूस होगा, बहुत ज़्यादा ठंडे महसूस होगा। मैं जैकेट भी नहीं लाया वहाँ पे, ये आके बहुत कुछ है। क्या बताया, अभी इतना चल के मुझे 1.5 घंटे लग गए यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। ठीक है चलो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। सो ये है 3 इडियट शूटिंग पॉइंट। ये है करीना का स्कूटी, नॉट स्कूटी, स्कूटर। ये आर्करी पॉइंट, आप यहाँ से आर्करी खेल सकते हैं। पता नहीं इसका प्राइस कितना होगा, मैं पूछता हूँ अभी, ठीक है। ऑल इज वेल गाना याद है आपको? वो नहाने का सीन है, यही है। और ये स्कूटी, हाँ। इसको बैठने के लिए कितना है इसके ऊपर? इसके ऊपर बैठने के लिए 250। फोटो लेने के लिए 100, और घूमने के लिए 250, और इसमें स्कूटर में बैठने के लिए 50। और ये ऑल इज वेल वाला, ये वाला सेम। स्कूटी, हो ये स्कूटी, और यहाँ पे ये है वो ऑल इज वेल सॉन्ग। मैं दूसरे दिन आके यहाँ पे फोटो खींच के आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। आज तो मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे। ये 3 इडियट शूटिंग पॉइंट जहाँ पे वो फेमस मूवी शूटिंग हुआ था, लास्ट सीन एक्चुअली। यहाँ पे वो स्कूटी वाला सीन, और नाग बीच में नहीं आने वाला किसिंग सीन। अच्छा जुले जुले, ये आपका है? है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बैठने के लिए पर पर्सन 50 ना? अच्छा अच्छा, यहाँ पे पर पर्सन 50। चलिए मैं लेफ्ट साइड में जाता हूँ, और यही है शूटिंग पॉइंट। ये है करीना का स्कूटर जहाँ पे वो स्कूटी लेके आया था और रेंचो को किस किया था। नाक ने बीच में नहीं आने वाला, यही है।
द वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक, थ्री इडियट्स शूटिंग पॉइंट। ये वाला प्लेस आपको याद है? ये वही इस प्लेस है जहाँ पे चतुर आया था रेंचो के पास सिग्नेचर लेने के लिए, ठीक है, गाड़ी लेके। यही वाला वो स्पेस है। मेरे गेस्ट हाउस से यहाँ पे कम से कम 1.5 घंटा लग गया मुझे यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो ये फेमस शूटिंग पॉइंट है, थ्री डेट शूटिंग पॉइंट, और ये पेंगोंग लेक, ये लुकुंग, और यहीं से लेक का स्टार्टिंग है। तो अगर आप इस साइड पे जाएंगे तो आपका चाइना तक पहुँच जाएंगे। दैट्स इट, इतना बड़ा लेक है। तो 30% इंडिया के पास और 70% चाइना के पास, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था। आज हवा बिल्कुल नहीं है तो इसीलिए पानी की इतना लहरा नहीं रहा है। अगर हवा होता है तो पानी यहाँ पे उसका लहर आते रहते, अच्छा लगता है। तो हवा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा धूप ज़्यादा है। और ऐसे है थ्री इडियट शूटिंग पॉइंट उस साइड पे, वहाँ पे है सारे सामान जहाँ पे आप वो थ्री इडियट्स मूवी का मतलब री शूटिंग कर सकते हैं और वो इंजॉय कर सकते हैं, फ़ोटोशूट कर सकते हैं वहाँ पे। तो मैं आपको लेके जाऊँगा सामने तक, वहाँ पे लास्ट पॉइंट तक जहाँ पे रेंचो ने सिग्नेचर किया था। तो वहाँ पे जाऊँगा लास्ट पॉइंट तक, ठीक है, वहाँ पे जाके कुछ बात करेंगे, उसके बाद रिटर्न जाऊँगा मैं। तो गाइस ये है वो पॉइंट जहाँ पे रेंचो ने साइन लिया था, सॉरी चतुर ने साइन लिया था रेंचो से। तो सामने वो सारे सामानों पर रखा है। तो मैं आज किसी पर बैठ के फ़ोटो खींचने वाला तो हूँ नहीं क्योंकि मैं अकेला आया हूँ। तो मैं दूसरे दिन आऊँगा, उसका फ़ोटो खींच के आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक है, इसी वीडियो के साथ। स्कूटर में बैठने के लिए आपको 50 रुपये चाहिए, और अगर आप याक पे बैठेंगे सिर्फ बैठे के फ़ोटो खींचेंगे तो 100 रुपया। अगर आपको याक पे घूमना चाहते हैं तो 200 रुपया लगेगा, मतलब 250 रुपया लग सकता है आपको। ज़्यादा कुछ तो है नहीं करने के लिए। उसके ऊपर उस साइड पर आपको गाड़ी रखना पड़ेगा, आप यहाँ तक गाड़ी तो लेके आ नहीं सकते क्योंकि ट्रेन है बीच में। और उसके ऊपर अगर आपको कुछ खाना है, रेस्टोरेंट सामने रेस्टोरेंट मिल जाएगा, और सामने यहाँ पे लुकुंग, और सामने हो गया आपका स्पांगमिक विलेज। तो डिटेल्स ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में डिटेल्स देने के लिए, आपने थ्री डेज मूवी में सब कुछ देख लिया होगा। तो यही है। सो गाइस ज़्यादा देर तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा यहाँ पे क्योंकि मुझे जाना भी है, और भी 1.5 घंटा मुझे जाने के लिए लगेगा चल के। तो लेक साइड साइड में चल के जाऊँगा। तो यहाँ पे डिस्कस करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही देखने आते कि एक्चुअली इसलिए फेमस है, थ्री इडियट्स मूवी शूटिंग हुआ था यहाँ का लास्ट जो सीन है वो, और इसलिए वो फेमस है। और तभी यहाँ पे कम से कम हर साल यहाँ पे लाखों टूरिस्ट, यहाँ पे सैलानी टूरिस्ट जो भी आप कहो वो घूमने आते हैं यहाँ पे, फैमिली के साथ, कपल्स, हनीमून्स, बहुत कुछ, बहुत तरीके के टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं, बहुत दूर दूर से, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, मतलब हर जगह से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। और ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पे रुकने के लिए है नहीं, तो एक ही दिन टूरिस्ट रुकते हैं। कौन कौन तो सुबह को आते, शाम को निकल, शाम तक निकल जाते। तो आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सवाल हो, अगर पेंगोंग आने के बाद आपको कोई हेल्प चाहिए, पेंगोंग में हेल्प चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ है, नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं चलता है, कोई भी नहीं चलता है, कोई भी सिम बिल्कुल काम नहीं करता, सिर्फ BSNL काम करता है, वो SMS और कॉलिंग ओनली होता है, वो भी सब जगह पर नहीं, कुछ कुछ जगह पर आपको मिलेगा, कोई जगह पर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे तो बिल्कुल थोड़ा कम मिलता है नेटवर्क, और थोड़ा आगे जगह स्पांगविक जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे थोड़ा बहुत मिल जाता है। अगर यहाँ पे सिम चलाना है तो BSNL आपको लाना पड़ेगा, और वैसे भी टूरिस्ट यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन रुकते हैं तो वो लोग सिम चाहिए भी नहीं यहाँ पे आने के बाद। और लगभग जिसके गाड़ी में आप आएंगे, अगर खुद की गाड़ी में आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे रेंट करके आ रहे हैं गाड़ी में तो आपको गाड़ी के ड्राइवर के पास आपको BSNL मिल जाएगा मे बी। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, आपको अगर लद्दाख की ड्रेस, ट्रेडिशनल लद्दाख की ड्रेस लगा कर आपको फ़ोटो खींचना है तो उसके लिए भी आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सब है, इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, और थोड़ा टाइम स्पेंड करना है बस, लोग यही देखने के लिए आते हैं यहाँ पे। और विंटर में ये फ्रोजन हो जाता है, तो अगर आपको समर में विज़िट करना है तो मैंने आपको पहले वीडियो बता दिया था कि यहाँ पे आप कैसे विज़िट करेंगे लेह से। लगभग लेह से यहाँ पे 200 किलोमीटर तक है। अगर आप नुब्रा आकर आएंगे तो 200 किलोमीटर, अगर आप चांगला आकर आएंगे तो मे बी 160 किलोमीटर, तो 150 से 60 किलोमीटर तक यहाँ तक आप पहुँचने के लिए आपको चाहिए, और 6 से 7 घंटे यहाँ पे लगते हैं पहुँचने के लिए, चाहे आप कहीं भी रास्ते से आए। और जाने के टाइम आप सोमवारी होकर आप मनाली होकर जा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो चलिए कुछ व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ का, और उसके बाद मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि धूप तेज़ लग रहा है। और कुछ देर बाद अभी आसमान साफ है, अभी अभी तो नहीं आएगा, अभी 4 बजे के बाद बहुत ज़ोर से हवा चलेगा यहाँ पे। अभी तो बिल्कुल रश नहीं है, मतलब ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर, बहुत ही कम है।
क्योंकि इस टाइम पे मैंने आपको बता दिया है, इस टाइम पे भी नहीं रहता है, जो कल आया था वो आज सुबह को चले गए और जो आज पहुंचने वाले वो अभी तक पहुंचे नहीं। 2 बजे के बाद, 2-3 बजे के बाद आपको यहाँ पर रश होने दिखेगा, तो शाम तक बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। तो इस साल तो वैसे ही पेंडेमिक के वजह से रश वगैरह बहुत कम है। तो गाइस जाने से पहले कुछ व्यू आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। किसी महापुरुष ने कहा है, बेटा काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी।